स्थानीय भारतीय जनता युवा मोर्चा नवापारा मंडल द्वारा नवनियुक्त भजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नगर के बस स्टैंड चौक पर जैसे ही भजयुमो अध्यक्ष का काफिला रुका तो ढोल नगाड़े व फटाके के साथ उनका स्वागत हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं द्वारा भजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का फूल पहनाकर स्वागत किया गया। सर्वप्रथम साहू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद भजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा एक एक कर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसी कड़ी में भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य किशोर देवांगन ने भजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू का हार पहनाकर स्वागत किया और उन्हें तलवार भेंट की। साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव द्वारा भी उनका मंडल की ओर से स्वागत किया गया। इसके बाद वहां से साहू बाइक रैली के शक्ल में सदर मार्ग होते हुए राजिम के लिए प्रस्थान किए। इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में भजयुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। उक्त बाइक रैली की अगुवाई नवापारा भजयुमो अध्यक्ष संजय साहू ने की। वहीं सदर मार्ग से पुरानी बिजली ऑफिस, भंडा होटल के पास, नेहरू घाट स्थित सब्जी मंडी सहित रास्ते भर जगह जगह उनका स्वागत अभिनंदन हुआ। वहीं इस ऐतिहासिक स्वागत अवसर पर भजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने नवापारा भजयुमो के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम सभी युवा मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस दौरान उनके साथ नवापारा भजयुमो अध्यक्ष संजय साहू, महामंत्री नागेंद्र वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव, महामंत्री नवल साहू, विशेष आमंत्रित सदस्य किशोर देवांगन, वरिष्ठ पार्षद प्रसन्न शर्मा, बॉबी चावला, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष दयालु राम गाड़ा, पूर्व पार्षद भूपेंद्र सोनी, सिंटू जैन, जनपद सदस्य कमल नारायण साहू, उप सरपंच पारागांव अप्पू सोनकर, रामेश्वर देवांगन, राजेश साहू, कैलाश तिवारी, राजू रजक, इम्मू सोलंकी, कोमल साहू, हितेश मंडई, दिनेश यादव, संजीव सोनी, अंकित मेघवानी, हिमांशु शर्मा, ईश्वरी देवांगन, श्रेणिक जैन, अनुज राजपूत व सुमित सिन्हा सहित बड़ी संख्या में भजयुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरा प्रथम इस गरियाबंद जिले में प्रवास है। इसका स्वागत अभनपुर नयापारा मंडल के द्वारा भी किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद हृदय से ज्ञापन करता हूँ। पुनः 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, इसी संदेश को लेकर मैं आज गरियाबंद जिले में।